Hello students, good morning and welcome to online therapy. Welcome to the session of Hindi Current Affairs. तो आज का पहला question देखते हैं. पहला question है, किस भारतीय सैन्य संगठन ने tour of duty internship शुरू की है? सही जवाब है भारतीय सेना, B option. भारतीय सेना द्वारा tour of duty internship शुरू की गई है. Tour of duty पहल युवाओं को सेना में शामिल होने और अधिकारियों एवं जवानों के रूप में कार्य करने के लिए 3 साल की इंटर्नशिप है. पहल के तहत की गई कमाई को कर मुक्त बनाया गया है. इंटर्नशिप से गुजरने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के तहत और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. नेक्स्ट है आज का दूसरा क्वेश्चन, भारतीय सेना की कौन सी घुड़सवार सेना विश्व में एकमात्र अश्वरोही घुड़सवार सेना है? और इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 61वीं घुड़सवार सेना. ये इसका सही जवाब है. तो भारतीय सेना की 61वीं घुड़सवार सेना दुनिया में एकमात्र सेवारत अश्वरोही घुड़सवार है. केंद्र सरकार इसमें घोड़ों की जगह टैंक का उपयोग कर इसे नियमित बख्तरबंद रेजिमेंट बनाने की तैयारी चल रही है. 61वीं घुड़सवार एक औपचारिक इकाई है और घुड़सवार सेना को युद्ध इकाई में बदलने की योजना चल रही है. नेक्स्ट है आज का तीसरा क्वेश्चन, किस संगठन ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित की है, जो एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसे केंद्र सरकार ने देश भर में तालाबंदी के दौरान प्रवासी कामगारों के सुगम आवागमन और उनके संपर्क अनुगमन की निगरानी और सुविधा के लिए लॉन्च किया है. केंद्र सरकार ने श्रमिक की विशेष ट्रेनों और बसों से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही की अनुमति दी है ताकि वे अपने मूल स्थानों की यात्रा को सुविधाजनक बना सके. नेक्स्ट है आज का फोर्थ क्वेश्चन, उस महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? और इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, व्योम मित्र. पहली महिला ह्यूमन माइंड रोबोट का नाम व्योम मित्र है और ये 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट जाएगा. चालक दल मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया जाएगा. चालक दल मिशन में वायुसेना के 3 पायलट शामिल होंगे. नेक्स्ट है आज का फिफ्थ क्वेश्चन, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है? फिफ्थ का सही जवाब है सी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र. विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में रुझानों पर प्रमुख रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग DESA, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के सहयोगात्मक प्रयास द्वारा जारी की जाती है. यहां तक क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस संगठन ने अगली पीढ़ी के बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण विकसित किए हैं? और इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ARCI हैदराबाद. पाउडर धातु कर्म और नई सामग्री के लिए अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव उपयोग हेतु बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण के लिए नई पीढ़ी के लॉग मैंगनीज आधारित मिश्र धातुओं का विकास किया है. दोनों संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त और कार्य कर रहे हैं. नेक्स्ट है आज का सेवेंथ क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय क्या है? और इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, कनेक्ट 2030, ICTs for SDGs. विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय
कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ये विषय स्मार्ट और सतत विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति को रेखांकित करता है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस प्रति वर्ष 17 मई को मनाया जाता है ताकि हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी और इसके भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ सके। ये हमें दुनिया भर में भौगोलिक दृष्टि से दूर के स्थानों से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आज का 8th क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? सही जवाब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 मई 2020 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1500 से अधिक लाभार्थियों को वेबिनार के माध्यम से पूरे देश में गैस वितरकों के साथ बातचीत की। योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक PMUY के लाभार्थियों को 3 महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने का प्रावधान था। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में धन का अग्रिम हस्तांतरण किया गया था और 6.28 करोड़ से अधिक PMUY लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर मिला है। नेक्स्ट है आज का 9th क्वेश्चन। हाल ही में समाचार में देखा गया इवेंट बॉट क्या है? इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन ट्रोजन। इवेंट बॉट मैलवेयर एंड्रॉइड फोन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाला एक ट्रोजन है जो अपने स्मार्टफोन से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। मैलवेयर मनी ट्रांसफर सेवाओं और वित्तीय अनुप्रयोगों को लक्षित करता है। ट्रोजन के लिए चेतावनी भारत के कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन। उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा की शिक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा? सही जवाब है PM ई विद्या, यानी कि लास्ट ऑप्शन। PM ई विद्या पहल को 12 DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा जिसमें प्रत्येक DTH चैनल 1 से 12 तक की कक्षा के लिए समर्पित होगा। इस पहल की घोषणा केंद्रीय मंत्री ने COVID-19 आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के 5वें और अंतिम भाग में की थी। PM ई विद्या कार्यक्रम डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक मल्टी मोड उपयोग के रूप में कार्य करेगा। पहल के तहत शीर्ष 100 संस्थानों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।